लास्ट व्लॉग देखा था ना आपने, एक्सीडेंट का केस था, पैर कट गया था, तो उससे रिलेटेड ही है। सोनू भैया आ गए हैं, देख लो राजस्थान हाईकोर्ट जज की गाड़ी कैसे होती है। सेशन कोर्ट आ गए, देख लो जयपुर का सेशन कोर्ट। वीडियो बना आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। कितने सारे पुलिस। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन चल रहे हैं कोर्ट, आज ही व्लॉग मिलेगा। लास्ट व्लॉग देखा था ना आपने, एक्सीडेंट का केस था, पैर कट गया था, तो उससे रिलेटेड ही है। आज भी SMS जाना पड़ेगा, शायद साइन वाइन करवाने पड़ेंगे, तो आज कोर्ट से रिलेटेड व्लॉग मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लॉ से रिलेटेड, जुडी से रिलेटेड, लीगल टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब से वीडियो आते रहता है। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, एडवोकेट की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोनू भैया आ गए हैं। हाँ सोनू भैया, आज कहाँ जा रहे हैं? आज अपन जा रहे हैं जहाँ पे, जिस केस के लिए अपन ने FIR दर्ज कराई थी, आज उसी क्लेम पिटीशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तो क्लेम पिटीशन फाइल कराने के लिए अपन वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, जो इंजर्ड है उसके साइन कराएंगे पिटीशन पर, और खुद तो वो आ नहीं सकती पेश करने के लिए, इसलिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, तो उसकी जो सिस्टर है वो पेश कर देगी। MSET के जो क्लेम्स होते हैं ना, उसमें पार्टी को खुद को ही आना पड़ता है कोर्ट के अंदर, एडवोकेट खुद से पेश नहीं कर सकता है। और मामलों में होता है कि एडवोकेट पैर भी कर सकता है, पेश भी कर सकता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी को खुद को आना पड़ता है। तो MSET के केसेस में भी पार्टी को खुद को आना पड़ता है। अब वो खुद आ नहीं सकती है, इंजर्ड है, उसका ऑपरेशन वगैरह होगा आज, इसलिए उसकी बहन के थ्रू अपन पेश करवाएंगे आज। और इसका रीज़न ये भी है, MSET में पार्टी पेश इसलिए भी करवाती है कोर्ट, क्योंकि पहले क्या होता था, जब पार्टी को नहीं बुलाते थे ना, तो एक ही केस को तीन तीन चार चार एडवोकेट अलग अलग जगह पेश कर देते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसलिए कोर्ट ने भी ये कर दिया कि पार्टी खुद जब कोर्ट में आएगी तभी क्लेम पिटीशन उसकी फाइल होगी। अब अगर वो खुद नहीं आ सकती है, ऑपरेशन चल रहा है, कोई और रीज़न है, तो वो किसी के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर पेश करवा सकती है। तो आज अपन उसी केस में, जो जिस दिन आपको FIR का पूरा हमने बताया था प्रोसेस, उसी का नेक्स्ट स्टेप है MSET क्लेम का। तो MSET क्लेम का ही फर्स्ट स्टेप है, वो हम आज पूरा कर रहे हैं, आपको वीडियो में बताएंगे और आगे। देख लो राजस्थान हाईकोर्ट जज की गाड़ी कैसे होती है। आगे लो भैया, आगे इनोवा जा रही है ना, ये इनोवा है। ये SMS पहुंच चुका है, सोनू भैया और मैं जाएंगे अंदर, साइन कराएंगे। अंदर का तो नहीं दिखाऊंगा, कोर्ट चलेंगे अब सेशन कोर्ट, इसके बाद तो वो दिखाएंगे सेशन कोर्ट, और ट्राई करूंगा आपको कोर्ट वोट भी देखने को मिल जाए थोड़ा, तो बने रहना ब्लॉग से। साफ सफाई देखो, हाँ महिलाओं का अलग कर रखा है। अच्छा नहीं, साफ सफाई देखो आप, अस्पताल में बिल्कुल साफ सफाई है। ये भी जरूरी है, देख लो आप लोग ब्लॉग के जरिए राजस्थान में सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति है। सोनू भैया साइन करवा रहे हैं, अभी साइन हो जाएगा फिर अपन चलेंगे कोर्ट, कोर्ट का भी दिखाएंगे। यार काफी साफ सफाई रहने लग गई SMS में, कांग्रेस सरकार में काफी चेंज हुआ है, तो काफी बढ़िया है। अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, देखो ज्यादा भीड़ भी नहीं है और काफी साफ सफाई है, आप देख सकते हैं। और मेडिकल लाइन में तो बहुत काम कर दिया इसने, सब कुछ फ्री कर दिया, जो भी आपका इलाज, 25 लाख तक का कैशलेस इलाज कर दिया। SMS से निकल चुके हैं, अब कोर्ट जा रहे हैं, और बने रहे, काफी प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही हैं आपको मेरे थ्रू, मुझे भी बहुत चीजें पता चलती हैं सोनू भैया के थ्रू। तो अभी मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ, सोनू भैया फर्स्ट जनरेशन नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। वेट कर रहे हैं, जो विक्टिम थे ना उसके साथ भी वाले आएंगे, उनके भी साइन वाइन होंगे, तो उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फिर निकलेंगे कोर्ट के लिए। सेशन कोर्ट आ गए, देख लो जयपुर का सेशन कोर्ट। भीड़ देखो, भीड़ कितनी भीड़ है। क्या हाल है? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये पार्किंग था पूरा, बेसमेंट पार्किंग है,
और काफी बड़ी पार्किंग है, नई बिल्डिंग बनी है ना उसके नीचे, पार्किंग काफी अच्छी बनी है। तो पार्क करते हैं फिर चलते हैं सोनू भैया के मतलब पापा जी के पास चलते हैं, फाइल वाइल उनको ही देनी है, बाकी काम वो करेंगे। तो अपन फाइल दे के फ्री हो जाएंगे, फिर थोड़ा जो भी होगा आपको दिखाऊंगा कोर्ट वोट। बैंक वाले क्यों हैं? बैंक वाले तो भाई खड़े हैं यहाँ पे, देखो ऐसे तो आप बैंक के चक्कर लगाते हो, आपको अकाउंट नहीं खोलते, बैंक वाले यहाँ बैठे रहते हैं अकाउंट खोलने के लिए। एमएसटी के जितने भी क्लेम होते हैं ना, एमएसटी में जो भी कोर्ट पैसा डिसाइड करता है वो पहले एमएसटी के खुद के कोर्ट के अकाउंट में आता है, कोर्ट के अकाउंट से पार्टी के अकाउंट में जाता है। तो जिस बैंक में कोर्ट का अकाउंट है तो कोर्ट ये ज्यादा कंसिडर करते हैं कि पार्टी का भी उसी बैंक में अकाउंट हो, ताकि हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफर हो जाए, वरना उसमें 24 घंटे लग जाते हैं। तो जितनी भी पार्टी आती हैं उनका फिर यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, तो इतने अकाउंट खुलते हैं रोज के, तो बैंक वाले यहीं आ जाते हैं। तो वो हैंड टू हैंड अपना टैबलेट में स्कैन करके डिजिटल वगैरह केवल आधार कार्ड पे ही अकाउंट खोल देते हैं। बार एसोसिएशन का है ये, यहाँ पे सारे एडवोकेट्स के मनोरंजन का काम है, आराम करने का, रिलैक्स करने का काम है। यहाँ पे गेम वेम खेल रहे हैं एडवोकेट्स, देखो सीनियर हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं सीनियर, बढ़िया। कैंटीन वैंटीन भी होगी, जो ये प्रोग्राम होता है किसी का रिटायरमेंट वगैरह। अच्छा रिटायरमेंट का हॉल है, मतलब हॉल होगा बेसिक, कोई भी प्रोग्राम होता है एडवोकेट्स का सब कुछ यहाँ पे होता है। सही है। कोर्ट के काम से फ्री हो गए, अब घर जा रहे हैं। कोर्ट कभी और किसी और दिन दिखाएंगे आपको अंदर से ढंग से, जितना दिखा सका, जितना टाइम मिला दिखा दिया आपको। पार्किंग तो दिखा दी भैया, पहले पार्किंग है, फुल ही रहती है यहाँ तो। बहुत बड़ा कोर्ट है जयपुर सेशन कोर्ट। किधर से नीचे है क्या? हाँ नीचे लगाई थी। अब घर चलते हैं और सोनू भी और एक्सप्लेन कर देंगे आपको केस ज्यादा डिटेल में। एडवोकेट की पार्किंग नहीं लगती है? हाँ वो तो है ही है। कितने सारे पुलिस वाले यहाँ पे रखा जाता है सारे मुजरिमों को, पकड़ के लेके जा रहा था, इसमें शॉट डाल। थोड़े फल ले लेते हैं मम्मी वालों के लिए, नवरात्रे चल रहे हैं ना, ये सारी फल मंडी है यहाँ पे, सब्जी वब्जी भी मिलती है। और यहाँ काम चल रहा है तो अंदर तक है, वैसे काम चल रहा है। भैया माएगा नहीं अब बैग में, फल ले लिए सोनू भैया ने, सब्जियां भी लिए, बैग भी भरा हुआ है, पहले फाइल थी इस बैग में और सोनू भी अंदर और गए हैं लेने, और मैं तो वेट कर रहा हूँ। मैंने तो फल वल लिया है मम्मी के लिए, अब व्रत चल रहे हैं तो मम्मी को थोड़ा सही रहता है, मम्मी पापा और के लिए नवरात्र चल रहे हैं तो खा लेंगे थोड़ा बहुत। और देखो सोनू भैया आ रहे हैं और लेके, अरे भैया कितना सामान लिया है, गृहस्थी का सामान, ये देखो ये भी भरा हुआ है, ये भी बैग भी भरा हुआ है, बैग में पहले फाइल थी अब ये सब्जियां ले जा रहे हैं। सही है भैया, भैया सारा सामान जमाते हुए, भैया खराब हो जाएंगे देख लो। अरे प्याज में क्या खराब हुआ, टमाटर ऊपर रख देंगे। सोनू भैया जा रहे हैं अब। आज तक का तो प्रोसेस आपको बता ही दिया, अब अगला प्रोसीजर ये है कि आज क्लेम पिटीशन फाइल कर दी, अब वो रिपोर्ट में जाएगी, रिपोर्ट का मतलब है कि वो कोर्ट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होगी, उस पर नंबर चढ़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट में आने के बाद फोटो फाइल जाएगी तामिल में, तामिल में जाने के लिए 30 दिन का टाइम मिलेगा कि अपन को तामिल करवानी है, फिर तामिल के बाद जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनके एडवोकेट के थ्रू अपीयर होंगे। अब जैसे इसमें ट्रक ने एक्सीडेंट किया था तो ट्रक की तरफ से उसका जो लॉयर होगा एडवोकेट होगा वो अपीयर होगा, नहीं होगा तो फिर वही जो और सब केसेस में वही है, 3 बार मौका देंगे, 1 तारीख के बाद सेकेंड फिर तीसरी। बाकी एमएससीटी के केसेस में ट्रक मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक्सपार्टी जाते हैं, जो ऑनर है ना गाड़ी का वो अपीयर ही नहीं होते हैं, उनकी तरफ से एक्सपार्टी हो जाती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो एमएससीटी के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी का एडवोकेट पे हो ही जाता है पीर, और वो कर देते हैं फैसला। मोटा मोटा है कि पैसा मिलेगा, पैसा मिल जाएगा क्योंकि पैसा मिल जाएगा। बाकी एक दूसरा फौजदारी मामला चलेगा
उसके अंदर तो पार्टी को अपीयर होना ही पड़ता है, एडवोकेट के थ्रू होना पड़ता है, होना ही पड़ेगा और हर तारीख में होना पड़ेगा जब तक वो केस चलेगा, फौजदारी मामला। बाकी एमएसटी क्लेम में नहीं भी अपीयर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भैया बाद में मिलेंगे, आराम से जाना। ओके, राधे राधे। राधे राधे।